तो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है कितना पता है? 12:40। और हम लोग कहाँ से जा रहे हैं अभी? पलवल के बाजू में से। क्लाइंट ने फरीदाबाद बोल गया, पलवल बुला लिया। क्या बोलोगे इस बारे में? नहीं देखो, क्लाइंट ने फरीदाबाद बोल के पलवल तो बुला दिया, दैट इज ओके। लेकिन आप सोचो, फरीदाबाद से पलवल में ना 20-25-30 किलोमीटर का डिफरेंस है। बिल्कुल 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा खासा ड्राइविंग हुआ है। और 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं होता, खाली डिफरेंस की बात नहीं हो रही है। आप एक तरफ जाओगे फिर दोबारा वापस भी आओगे, तो टोटल 50 किलोमीटर हो गए। 50 नहीं 40 तो हो ही गए। 40 किलोमीटर कुछ होता है कि नहीं होता किसी के लिए? या गाड़ी है तो बस भगाते रहो। भाग रही है। आते में 2 घंटा लगा हमें, कहाँ से 2 घंटे से ज़्यादा लगा, 2.5 घंटे के आसपास लगा हमें। नांगलोई से, नांगलोई था कौन सा एरिया था? नजफगढ़ से और यहाँ आने में इस लोकेशन पे। तो ये कुछ सिनेरियो रहा आज का। बाकी भैया को कुछ डिटेल्स रिवील करनी है, तो एक बार आप बताना चाहेंगे व्यूवर्स किस पॉइंट पे रिवील करना है? मतलब जो हमने कुछ नई सर्विसेज एड ऑन करी हैं, स्टार्ट करी हैं, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, मजा आ रहा है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने ना 2017 से ये सेगमेंट शुरू किया, आपको पता है। हाँ, प्रेगनेंसी एंड बेबी। फर्स्ट मैटरनिटी शूट पे भी आप थे, राइट? और फर्स्ट मैटरनिटी शूट हमने जब किया था 17 अगस्त, तो हम लोग कितने एक्साइटेड थे। हम लोगों ने प्रॉप्स इकट्ठा किया, मेकअप आर्टिस्ट को भी हायर किया था, फिर एक पूजा नाम की फोटोग्राफर थी वो आई थी, आप थे, मैं था, मतलब बहुत एनर्जेटिक तरीके से उसको ना, मतलब एक तरीके से ना हमने उसको एक इवेंट बना दिया था पूरा एकदम। यार नहीं, हमारा उसके लिए शॉपिंग करने गए थे हम, डेडिकेटेड एकदम, है ना। और इतना बड़ा सा थैला भर के हमने प्रॉप्स लिए थे। डे वन से हम लोग प्रॉप्स लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले शूट पे ऐसे खाली चले गए। ना ना ना, डे वन से प्रॉप्स यूज कर रहे हैं। पहले शूट पे तो हमने इतनी आरएनडी करी जिसकी कोई हद नहीं। फर्स्ट शूट पे हमने बहुत आरएनडी करी, उसके बाद हमने वो पहला शूट किया। उसकी आरएनडी ये जो चल रही है, हम लोगों ने जो स्टार्ट करा एकदम बूस्टेड तरीके से, दैट इज क्योंकि प्रॉप्स हमारे हाथ में थे, चीजें हमारे हाथ में थे, तो फिर उस हिसाब से चीजें हुई। तो अब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया 3D हैंड एंड फीट कास्टिंग। बहुत रेगुलर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ना आजकल। तो हमने सोचा भैया गंगा बह रही है तो हम भी हाथ धो ही लेते हैं, जब सबको रिक्वायरमेंट है ही है छोटी छोटी चीज़ों की, तो क्यों ना इस सर्विस को भी एड ऑन करा जाए। पहले तो हमें टाइम ही नहीं लगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3D हैंड फीट कास्टिंग के नाम पे अभी हमने एक गुड़गांव में शूट किया था, आपको याद होगा। हाँ, 1 सेंटीमीटर का जो डेप्थ होता है ना, ओनली 1 सेंटीमीटर कितना होता है स्केल में, इतना सा होता है। वही 1 सेंटीमीटर के डेप्थ पे उन्होंने फीट कास्टिंग करके एक MDF के 3mm या 5mm बोर्ड में काट के चिपका के दे दिया। फ्री में क्या ही मिलेगा? लेकिन भाई फ्री में नहीं है, बच्चे का जब उस टाइम पे चीजें हो रही हैं तो सामने वाले को तो लगता ही है ना कि नहीं यार, जो चीज बन के आएगी वैसी लगेगी। अब अगर 100 लोगों को दिखाऊंगा तो वो बोलेंगे वाओ क्या काम हुआ है। अब अगर पेरेंट्स को कुछ चीजें फ्री में मिल रही हैं हॉस्पिटल से, तो उनके लिए तो एक ऐड ऑन ही है ना। चाहे हॉस्पिटल ने उसके लिए 5,000 रुपए हिडन चार्ज कर दिया हो डिलीवरी पे, फ्री में तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, तो करेगा ही वो। तो हमने सोचा कि भाई हम लोग भी 3D हैंड एंड फीट कास्टिंग शुरू करते हैं। बट ऐसा नहीं, लोकल वाला नहीं, ऐसा बढ़िया तरीके सॉलिड प्योर हमारा डेडिकेशन वही रहता है जो 2017 में पहले शूट पे था। बिल्कुल नया कुछ काम शुरू करते हैं, एनर्जी उतना ही रहता है, ऑब्जर्वेशन उतना ही रहता है, फॉलो अप उतना ही रहता है। तो मैंने मिस्टर अमित को इंस्ट्रक्शन दिया कि जी R&D करो इस चीज पे। उससे पहले हमने और 6 महीने पहले भी R&D कर चुके थे हम लोग, पहले बिल्कुल कर चुके थे ढूंढ के चीजें, भाई ये डब्बा और ये सब चीजें होंगी, फिर बैक टू बैक चीजें, ऐसा शेड्यूल लगा कि हम करेंगे मैं स्टार्ट। अच्छा हुआ क्या कि हम लोग सोचते बहुत है कि जी ऐसा कर लेंगे, वैसा करते हैं, ये कर, लेकिन ना हमारे पास टाइम की कमी बहुत है। वी हैव ओनली 24 आवर्स इन आर हैंड, राइट? उस 24 आवर्स में आपको घर वालों को भी देखना है,
आपको बाहर वालों को भी देखना है, आपको ऑफिस भी देखना है, आपको स्टूडियो भी देखना है, बहुत सारी कहानी है उसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैवल भी करता है, उसके बाद फिर ट्रैवल भी करना है अपने को, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, जबकि ये करना चाहिए था हमें कोविड के टाइम, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी हमने शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पहला जो R&D हुआ अमित के थ्रू, दैट R&D वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब नपी तुली चीज, नपी तुला काम, मतलब मजा आ गया देख के, खुश हो गया दिल। लेकिन जब मैंने किया तो क्या हुआ, जब आपने किया तो क्या हुआ? अच्छा, जो मैंने पहले किया, फर्स्ट टाइम जब मैंने कास्टिंग का पाउडर वो किया, मिक्स किया है ना, इतना पानी डल गया कि वो पाउडर वेस्ट हो गया। मतलब 250 ग्राम पाउडर इज अबाउट 200-250 रुपीस, मेबी 300 रुपीस, वो पाउडर वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, जाना आने का कम्यूटिंग वेस्ट हो गया, सब कुछ वेस्ट हो गया। पानी डाला ऐसे ऐसे घुमाते ही रह गए उसको, है ना, जो चीज सूख रही थी 2-3 मिनट में वो सूखी नहीं, आधे घंटे तक भी जो सूखना चाहिए था आपको 1.5 से 2 मिनट में, वो नहीं सूखे, मैक्स 3 मिनट्स, वो 7-8 मिनट 10 मिनट तक नहीं सूखा, वो गीला का गीला ही रह गया पाउडर। तो अमेजोन से अगर हम पाउडर खरीदते हैं 500 रुपए किट, 600 रुपए किट, 1000 रुपए किट जो बेच रहे हैं, तो 400 रुपए का किट, और जो ये घोल के पानी जीरो हो जाए, तो पैसे तो जीरो है ना। और दूसरा कंडीशन, आपने जिसमें पानी डाला उसको मिलाते मिलाते जम गया वो। हाँ अच्छा, अब ये तो पहला कंडीशन था, ये पहली केस स्टडी थी मेरे तरफ से, मेरा लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में हमने पानी थोड़ा कम डाल दिया, उसको मिलाना शुरू कर दिया, पानी कम डाल के हमने मिलाना शुरू कर दिया। अच्छा, मिलाने के बाद हुआ ये कि वो जम गया, मिलाते मिलाते ही वो कास्ट हो गया, वो मिलाते मिलाते जम गया, और अगेन हमारा 250 ग्राम पाउडर वेस्ट हो गया। दो लॉट खत्म, करीबन दो हैंड का कास्टिंग पाउडर जीरो हो गया, है? हो गया जीरो। अब कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यूअर्स अगर हैंड कास्टिंग के लिए वो मंगवाते हैं और इस तरीके से जीरो हो जाता है, तो उनका टाइम भी गया, पैसे भी गए, पैकेट भी खुल गया, वापिस भी नहीं होगा, सब कुछ जीरो, उठा के जीरो। इसीलिए तो किसी भी चीज काम को करने के लिए प्रोफेशनल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो अब मुद्दा ये है कि वो सारा जीरो हो जाता है अमेज़न से अगर, तो तब काम आता है आर्टिस्ट, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो लोग। वो एक्सपीरियंस पर्सन क्या करते हैं, आपके घर जाएंगे, इम्प्रेशन लेंगे, आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से हैंडी पोजिशन रखने से ये बेटर पोस्चर आएगा, करेंगे इस तरीके से कर सकते हैं, केमिकल को पूरा घोलेंगे जितना चाहिए उस हिसाब से, उस हिसाब से। उसके बाद जो है प्रोसेस बहुत लंबा है, इस प्रोसेस में भी 2-3 जने हैं, पेंटिंग करने वाला बंदा, वो एक प्रॉपर होना चाहिए, पहले उसका कास्टिंग निकलेगा, उसका फिनिशिंग होगा, फिर आएगा पेंटिंग। तो पहले कास्टिंग निकलेगा, फिर उसके बाद उस पर फिनिशिंग होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, फिर उसके बाद वो सूखेगा 3-4 दिन 5 दिन में, डिपेंडिंग ऑन वेदर, रेनी वेदर है टाइम ज़्यादा, विंटर है टाइम ज़्यादा, गर्मियों में जल्दी सूख जाता है। फिर उसके बाद उस पर पेंट होगा, पेंट सूखने में 1-1.5 दिन लगेगा, फिर उसके बाद जाएगा वो फ्रेमिंग में। अब वो फ्रेमिंग भी अलग अलग होते हैं, अभी हमने डिलीवरी की है बेस के ऊपर, एक वुडन बेस था 6x8 inches का, उसके ऊपर हमने डिलीवर की है, अलग अलग है वो तो अपने टेस्ट के ऊपर है, जिसमें कपल्स के हैंड इस तरीके से हैं, इस तरीके से रखा हुआ है और ऐसे करके, बहुत बढ़िया। अगर मौका लगा तो आप लोगों को फोटो भी दिखेगा, नेक्स्ट वाले सेकंड में आप अगर हमारे व्हाट्सएप पे जाएंगे कैटलॉग में दिखेगा, उसकी वीडियो है, उसके शॉर्ट्स हैं, सारी चीजें। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सर्विस लेना चाहिए। हाँ, एक मेमोरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे के जो पैर है, जब वो छोटा है तभी उतने साइज कराएंगे ना, बड़े होकर उसको दिखेगा कि हाँ मेरे इतने से पैर थे, उसको मोमेंट याद आएगा फिर कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। उसमें हम सर्विसेज में सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जब कास्टिंग ले रहे हैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनवा लें आप लोग, तो उसमें पूरा प्रोसेस हो गया और उसके फीड्स टंग रहे हैं, तो जब वो उस मोमेंट को याद करेगा उन फीड्स को देख के,
और उसके साथ वीडियो को देखेगा तो उसको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ ये कैसा था, कैसे हुआ सारी चीजें, कैसे हुआ सारी। तो वो सब मोमेंट्स हैं, फोटोग्राफर का काम ही है मोमेंट्स को कैप्चर करना। तो इस तरीके से आप लोग मोमेंट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं और एक मोमेंटो टाइप भी बना के रख सकते हैं। कुछ लोग अपने पेरेंट्स के बनवाते हैं कि भाई ये ओल्ड हो गए, ये मेरी मदर, इनके मुझे फीड्स रखने हैं हमेशा, वो फीड्स के बनवा लिया, हैंड्स का बनवा लिया, मम्मी पापा के हैंड्स का बना लिया, कपल हैंड्स का बना लिया। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेमोरीज है, कैसे आप कलेक्ट करना चाहते हैं बेस्ट टू बेस्ट वो आप करवा सकते हैं। नहीं अभी हमने कपल के लिए भी किया है, एक कपल के लिए और एक इंक्वायरी है उस पर भी हमें काम करना है। फिर एक फैमिली है जिसपे मदर फादर एंड दो बच्चे हैं, एक बच्चे का एक हैंड, दूसरे बच्चे का एक हैंड, एक बच्चे का एक फीट, दूसरे बच्चे का एक फीट, इस तरीके से कुछ कंबाइन करके बनाना है। तो ओवरऑल 3D कास्टिंग का काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है। और आप लोग जब जैसे मौका लगे दिल्ली NCR में तो हम इजीली जाएंगे और इजीली करेंगे। अगर बाई चांस दिल्ली NCR से बाहर 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक हम जा रहे हैं किसी दूसरे शूट पे और वहाँ जाके भी हैंड कास्टिंग करना है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।